दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ उमा। उमाज गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो। ये है रोजेस, बटन रोजेस। आप देख सकते हैं बटन की तरह है ये मिनिएचर रोजेस। ये रोजेस की ही एक वैरायटी है और आज मैं इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ। और नर्सरी से मैं इसको लेकर आई थी और इसमें इतने सारे फूल खिले हुए, आप देख सकते हैं कैसे बंचेज में आए हुए और इसमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं दोस्तों। और मैं ये बटन रोज मिनिएचर रोज फर्स्ट टाइम अपने घर लेकर आई हूँ नर्सरी से। और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे कितने का पड़ा था, ये ऑलमोस्ट मुझे 100 रुपीज़ में पड़ा था। बहुत ही अच्छे प्राइस में पड़ा था मुझे ये। और आप देख सकते हैं और बिल्कुल हेल्दी प्लांट है। देखो ये एकदम हेल्दी प्लांट है। जब भी नर्सरी से आप प्लांट लेकर आए हैं एकदम हेल्दी होना चाहिए। अगर एक ब्रांच खराब होगी तो आपके पास और ब्रांचेज है कि वो आपका प्लांट चलने के चांसेस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्लांट खराब हो जाता है। और इसके लिए जो मैंने सॉइल मीडिया ले रखा है, ये देखो आप ये देख सकते हैं, इसके लिए ले रखा है मैंने सॉइल मीडिया। इसमें मैंने गोबर की खाद, ये देखो गोबर की खाद डाली हुई है और हल्की सी इसमें ऑर्गेनिक खाद डाली हुई मैंने, हल्की सी डाली हुई है। और गार्डन सॉइल डाली हुई है मैंने। और अब इसको क्या करना है, बहुत अच्छे से मैंने मिक्स करना है ये। और ये मैंने इसके लिए प्लांटर ले रखा है, गमला ले रखा है प्लास्टिक का, ये देख सकते हो आप। ये भी मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा था और ये 10 इंच का है गमला है, 10 इंच का, आई थिंक 10 इंच का ही गमला है ये। और इसको मैंने होल कर दिए थे नीचे, आपको दिख रहे होंगे नीचे होल कर दिया मैंने। और इसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया है किसी वेस्टेज उससे बैग के साथ। और अब क्या करना है, जो मेरी गार्डन सॉइल है वो मुझे इसके अंदर डालनी है अच्छे से मिला के, और इस तरह से आपने वो करना है। तो इसमें मैंने अब अच्छे से क्या कर दी, सॉइल इसमें इतनी डाल दी हुई है नीचे, देख सकते हो आप। आधा सा मैंने इसको फिल कर दिया हुआ है। और इसके बाद मैंने अपना जो मेरा जो प्लांटर है वो मुझे इसके अंदर रखना है इस तरह से। देखो ये देखो आप, इस तरह से ये मैंने यहाँ पे रख दिया है अब इस तरह से। तो इसकी जो साइड की हल्की हल्की सी मिट्टी कॉर्नर की, मुझे वो हल्की हल्की सी हटानी है, ज़्यादा नहीं हटानी है। और इसको फिर मुझे ऐसे ही रखना है, ये देख सकते हो आप, हल्का हल्का सा मैंने हटाई है और बाकी इसको ऐसे ही रख दिया है। और अब मुझे इसके ऊपर क्या करना है, अच्छे से इसको मुझे फिल करना है इसको दोस्तों। अब इसकी केयर टिप्स के बारे में बात करती हूँ मैं इसको दोस्तों। हमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर हम ओवर वाटरिंग करेंगे तो हमारा जो रोज़ है वो ख़राब हो जाएगा, वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा। अभी अगर आप इसको जितना इसको आप इसकी मिट्टी को सूखा रखोगे, मतलब नमी, इसको नमी बनी होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए मॉइस्चर। और लेकिन आपने अपने प्लांट को क्या करना है, थोड़ा सा आपने बारिश के नीचे नहीं रखना है, खुले में रखना है रोज़ को। क्योंकि अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो कई बार ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं कि आपका जो रोज़ है वो ख़राब भी हो जाता है। तो इस तरह से, और आपने अगर आपने जैसे छत पर रखा हुआ है डायरेक्ट बारिश के नीचे रखा हुआ है, आजकल जैसे बरसात ज़्यादा पड़ रही है तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा होल्ड हो जाता है। ग्रोथ तो अच्छी होगी आपके प्लांट की बट फ्लावरिंग नहीं करेगा उतनी अच्छी से। तो अगर आप जितना इसको सूखा रखोगे इस प्लांट को, इस प्लांट को सॉइल एसिडिक पसंद है। और उसके लिए आपको क्या करना है अपने प्लांट को, तो दोस्तों आपने क्या करना है इसमें, इसकी सॉइल को एसिटिक बनाने के लिए आपने इसमें ऐसा करना, आपने 15 दिन या 1 महीने के बाद आपने क्या करना है, फटकरी का एक टुकड़ा लेना है, इसके अंदर डालना है। 1 महीने के बाद आपने फिर डाल देना है मिट्टी के अंदर, तो इसकी जो सॉइल है वो बिल्कुल एसिटिक बनी रहेगी। या फिर आपने वो नहीं करना तो आप इसमें चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं, चाय की पत्ती भी हमारी सॉइल को एसिटिक बनाती है और ग्रोथ होने में भी हेल्प करती है चाय की पत्ती। हमारा ऑर्गेनिक तरीका है ये, हम ऑर्गेनिक तरीके से अपने प्लांट की ग्रोथ करते हैं। इसकी जो मिट्टी है बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। और एक बारी आपने जब आप इसको रिपोर्ट करें तो इसमें अच्छे से पानी डाल देना आपने। और उसके बाद आपने क्या करना है इसमें, और इसमें दोस्तों आपने मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या करना है, गुड़ाई भी करते रहना है। और एकदम डायरेक्ट आपने इसको, बारिश का पानी तो बहुत अच्छा होता है हमारे प्लांट के लिए बट ज़्यादा पानी भी हमारे प्लांट के लिए ख़राब हो जाता है। और जो इसके फूल है दोस्तों गुच्छों में आते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल बंचेज में आते हैं। और इसके जो फूल है हमें सर्दियों में बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है सर्दियों में। अभी बरसात में हमें थोड़ी सी कम इसकी ब्लूमिंग देखने को मिलती है, लेकिन इस टाइम आप देखोगे इसकी ब्लूमिंग अभी तो लग गई होगी इसकी ब्लूमिंग, और इसके बाद आपको थोड़ी कम ब्लूमिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जैसी भी ब्लूमिंग होगी वो अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और इसी तरह से आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी जो केयर टिप्स वो बाद में मैं आपको दूँगी, नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊँगी मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
मिलती हूँ किसी और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।